नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ पर बेस्ड हमने बहुत सी मूवी और सीरीज देखी होंगी, जिनमें से कुछ हमें हंसाती हैं तो कुछ रुला भी देती हैं और दिल जीत में पूरी तरह से कामयाब रहती हैं। लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले यह सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज तक ही सीमित था, लेकिन अब यह हर कंट्री की मूवीज में देखने को मिल रहा है। और उन्हीं में से एक मास्टरपीस सीरीज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, किंगडम। यह एक कोरियन ज़ॉम्बी बेस्ड थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि फेमस कोरियन ऑथर किम यून ही के वेब कॉमिक सीरीज द किंगडम ऑफ गॉड्स का एडाप्टेशन है। इसे 25 जनवरी 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और यह नेटफ्लिक्स की पहली कोरियन वेब सीरीज है। इसकी कहानी का सेट जापान और कोरिया के वार के कुछ साल बाद की सिचुएशन को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, जहां हम देखते हैं कि ली चांग नाम का एक क्राउन प्रिंस है, उसे अपने ही पिता के पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता एक महामारी के चपेट में आ गए हैं और यह देखने के लिए वो राजमहल की ओर चला जाता है, लेकिन वहां उसे रोक लिया जाता है और उसे मिलने नहीं दिया जाता है। उसे शक होता है, उसे लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है और इसी सच को जानने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़ता है उस डॉक्टर की तलाश में, जो उसके पिता का इलाज किया करता था। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जो होता है ना, और जो उन्हें वहां पता चलता है ना भाई, फट के हाथ में आ जाती है। उसके बाद से ही शुरू होता है इस सीरीज का असली एडवेंचर। तो अब इसके बाद आगे क्या होता है यह जानने के लिए आप यह सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी मास्टरपीस सीरीज है जिसे आपने अभी तक किसी भी ज़ॉम्बीज मूवी या सीरीज में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, इतना तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सीरीज की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो अगर अब तक ये सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज में से एक भी कहा जाए ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, बिकॉज ये है भी उस लायक। हर एक इंसिडेंट को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। दरअसल इसमें 3-4 कहानियां एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। इस पूरी सीरीज में कोई भी फालतू सीन ऐड नहीं किया गया है, इसका हर एक सीन इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ सीन तो हमें डराने में भी पूरी तरह से कामयाब रहते हैं। और इस सीजन में टोटल 6 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 50 से 55 मिनट का है, तो बोर होने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसका पहला सीजन ऐसे पॉइंट पर अगर खत्म होता है ना, कि आपको इसके दूसरे सीजन के लिए रिलैक्स होने का मौका तक नहीं मिलेगा, आप उसके लिए पागल से हो जाएंगे। क्या आपको एक बात पता है, लगभग हर वो मूवी या सीरीज जो किसी एपोकलिप्स पर बेस्ड होती है, उनमें से एक चीज जरूर कॉमन होती है। उनमें एक ना एक ऐसा चुतिया जरूर देखने को मिल जाता है जो फालतू की बकचोदी करता रहता है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ये साले खुद तो पिलाते हैं, साथ में सबको पिलवा देते हैं। इस सीरीज में भी आपको भर भर के ऐसे वैरायटी के चूतिये देखने को मिलेंगे। उनके चुतियापे देखकर मन तो करेगा कि सीरीज में घुसकर उनको पटक पटक के मारा जाए, लेकिन जैसा कि सबको पता ही है, दिस इज बियॉन्ड साइंस। इस सीरीज में एक ऐसा ही चूतिया है जिसकी बकचोदी की वजह से ये महामारी पूरे गांव में फैल जाती है। और मैं उस सीन के बारे में बताऊंगा तो नहीं, बस इतना जान लीजिए कि यह सीन इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है। ये बीमारी कहाँ से आई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। हो सकता है इसके बारे में हमें दूसरे सीजन में बताया जाए। अब भैया, ज़ॉम्बीज मूवी हो और खून खराबा ना हो, ये तो वही बात हुई ना, सूरज निकले पर दिन ना हो। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। इसमें भी आपको भर भर के वायलेंस देखने को मिलेगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज 24 घंटे घूमते रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, इससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस सीरीज का मामला कुछ अलग है। यहाँ के ज़ॉम्बीज सूरज की रोशनी से डरते हैं, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह। इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपको सीजन के लास्ट में पता चल जाएगा। खैर, वैसे तो यह सीरीज सबके लिए नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस, लेकिन फिर भी मैं सबको रिकमेंड करूंगा भाई, एक बार जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट, एक बार तो जरूर देखना। अगर मजा नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आके जी भर के गरिया लेना, लेकिन पूरी सीरीज देखने के बाद पहले ही मत शुरू हो जाना। तो अगर आपने इस ज़ॉम्बीज के नए अवतार को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी और इस सीरीज का कौन सा पार्ट आपको अट्रैक्टिंग और यूनिक लगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।